नमस्कार गाइस, स्वागत है। आज दोस्तों बात करना आरबीएल बैंक के बारे में। दोस्तों ये 8 अप्रैल का चार्ट है, तब शेयर का प्राइस 128 रुपये और 10 पैसे। लोगों मार्केट में 9 रुपये और 10 पैसे की गिरावट आई थी। जब सब बाजार ओपन हुआ था तब शेयर का प्राइस था 126 रुपये और अपर शेयर गया था 140 रुपये का। फिलहाल दोस्तों सोमवार को यानी मंडे को दोस्तों क्या करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग बातें करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों 1 घंटे के चार्ट में नजर डाल सकते हो, मार्केट में ऑलरेडी भारी गिरावट अभी आ चुकी है। मार्केट में 90 रुपये का दोस्तों मेन सपोर्ट है, सेकंड है 100 रुपये का, ठीक है, मेन है 90, सेकंड है 100 का। और दोस्तों मार्केट लगभग 120 रुपये में अच्छा खासा तेजी आने वाली है और सोमवार का लगभग 250 पैसे से लेके 80 पैसे तक मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन 125 पैसे में दोस्तों मार्केट में कमबैक आने वाले काफ़ी बड़े सपोर्ट है, जहां पर दोस्तों जो कमबैक आने वाला वो काफ़ी बड़ा है। 2 महीने के अंदर जो टारगेट वो लगभग 240 रुपये टारगेट 2 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खरीदारी कर लो, अच्छा मौका है। पिछले 1 हफ्ते में देखो मार्केट में 6.50% का नुकसान हुआ है, लॉन्ग में देखो अच्छा खासा रिटर्न मिला है। वहीं कल दोस्तों ट्रेडिंग मूल्य लगभग 5 करोड़ का ट्रेडिंग मूल्य के साथ काम हो रहा है सबसे ज़्यादा। वहीं दोस्तों बाइंग सेलर अपडेट की बात करें, कितने लोगों ने खरीदारी किया है, कितने लोगों ने सेल किया है, तो साफ से देखो मतलब 6,500 लोगों ने खरीदारी किया, इसलिए अच्छा मौका है मार्केट में दोबारा एंट्री लेने का।